जो मटेरियल अपने एज पर डिजाइन डिजाइन हमारे हिसाब से जो हमको लगेगा 26 हो गया, नहीं तो 28 mm एग्रीगेट हो गया, नेक्स्ट 20 आ गया, नहीं तो 18 आ गया, जो भी है क्रशर से प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से और इसमें रॉ डाल देते मटेरियल हैं, का सर प्रोडक्ट में से उसमें डाल देते इसमें डालते हैं। एक में डस्ट आता है 10, 20, 26 है ना। नेक्स्ट ये पूरा कैबिन है, कैबिन पूरा कंप्यूटराइज्ड ये होता है उसके अंदर चलने अंदर। दिखाता है। नेक्स्ट ये बिटुमिन टैंक है, जिसमें से बिटुमिन यहीं पे हीटिंग भी होता है और यहीं से बिटुमिन मिक्स के अंदर लेने के लिए इसमें से ड्रॉ करता है। विजिस्टर प्लांट कुछ कर रहा है क्या? नहीं प्लांट कैबिन आ सकता है, कैबिन में आ सकता है। हाँ चाबी मंगा रहे आए। वो आप चाबी कहाँ है? वो चाबी काम करता रहता है। लॉक इन लॉक आउट, लॉक आउट मतलब सर? जो काम करता रहता है ऑपरेटर, ऑपरेटर बाहर है कहीं पे काम कर रहता है, ठीक है, वो उसके हाथ में ही वो चाबी रहता है ना, मतलब दूसरा आदमी जाके ऑपरेट ना करे, एक्सीडेंट के चांसेस रहता है ना, फॉर सेफ्टी पर्पस लॉक इन लॉक आउट। गैदरिंग बेल्ट के थ्रू वो आता है ये ड्रायर में, उसमें फायर होता है उधर से, ह्यूज फायर, वो फायर उसका जो जो फायर होता है उसको क्या बोलता है, कौन सा तेल? फार्नेस ऑयल, फार्नेस ऑयल के थ्रू वो माने उसको एल डी ए बोलता है, लाइट डीजल ऑयल भी बोलता है, और वो फायर पूरा इधर से उधर से जाता है, और ये स्पायरल सिस्टम है भीतर एग्रीगेट ऐसे गर्म गर्म होके अपना हीटिंग मिनिमम 150 से 170 टेम्परेचर जरूरी है, वो टेम्परेचर होके वो और हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर में दिखाता है केबिन में। ओके वो ड्रायर होके ये जो वर्टिकल है ना वो चेन के थ्रू उसमें जाता है, और ऊपर वहाँ पे डिफरेंट साइज का स्क्रीन है, और स्क्रीन में वाइब्रेशन वाइब्रेटरी स्क्रीन में वो सेपरेट एग्रीगेट सेपरेट होकर अलग अलग पॉकेट में जमा होता है। सपोज 26 to 19, 26.5 पासिंग, 19 mm रिटेन, फिर 19.5 19 mm पासिंग, 14 mm रिटेन, 14 mm पासिंग, 6.3 रिटेन, ऐसा सेपरेट पॉकेट में जमा हो जाता है स्क्रीन होके और डस्ट। तो उसके बाद फिर जैसा जैसे प्रोपोर्शन है हमारे एज पर डिज़ाइन वो लेता है, लेकिन नीचे ये नीचे पाग मिल है, वो जो जहाँ पे लिखा है ना 14.5, पग मिल क्या होता है सर? जहाँ पाकिंग होता है मैंने जहाँ मिक्सिंग मिक्सिंग होता है वहाँ पे हार्ट बिटवीन आता है, वहाँ पे फिलर आता है, वहाँ पे सारा एग्रीगेट आता है, पूरा ये सब पका के एकदम यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ये पैकेट में डिस्चार्ज होता है, ये जाके यहाँ से स्टोरेज होता है। इसमें एक गाड़ी का कैपेसिटी पूरा मैंने 30 टन का कैपेसिटी है, 30 टन उसमें स्टोर हो सकता है, गाड़ी है ना रोके मैंने गाड़ी चला गया, मशीन चली, ये प्लांट चालू रहेगा उसमें स्टोरेज होता है। एक बार में कितने बनता है इसमें? इसमें आप स्टोर तो 30 टन कर रहे हैं, एक एक बैच में कितना निकलता है? एक बैच में आपका 800 kg तक आएगा, 800 kg तक आएगा, 0.8 से इसका कैपेसिटी वही 1 टन के आसपास आता है। और इसका प्लांट ये 30 टन है, 30 से 34, यू कैन स्टोर अप टू 30 टन हियर, बट द बैचिंग प्लांट विल मेक अराउंड 0.8 टन एट अ टाइम, और ये इसका 150 टन पर आवर कैपेसिटी, 150 टन पर आवर, 250 है, नहीं 120 टन, 120 टन मैक्सिमम है इसके, अभी का कैपेसिटी है 120 टन पर। सारा सिस्टमेटिक है वो, उसमें ये जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उसको खींचते हैं जो फाइनल पार्टिकल्स उसको उसको स्टोरेज करते हैं, उससे फिर उधर देखिए वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ओके वो सब वेस्टेज मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है वो पूरा। इसका अब क्या हुआ सर? इसका क्या उसका वो एनवायरमेंट हमारे वृंदावन साहब कोई फिलिंग जहाँ पे फिलिंग एरिया बनता है वहाँ पे उसको फिलिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं। सेम वो भी बैचिंग प्लांट है मतलब दोनों? ये हॉट मिक्स प्लांट, ये हॉट मिक्स प्लांट है, ये हॉट मिक्स प्लांट है, ये है वाइट मिक्स, ये WMM प्लांट है, उसमें भी सेम पांच पांच लोगों का दिन है, उसमें क्या है ना पहले 10-20 डस्ट 40 mm सब होता था, अभी रैप मटेरियल रिक्लेम्ड एस्फाल्ट मिक्स जो रोड मिक्सिंग रोड कटिंग हो रहा है ना वो भी आज का RC 37 2012 वाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, WMGSB दोनों में यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल मटेरियल, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉकेट रखा है, और उसमें फ्लायर्स भी यूज हो सकता है पटली, तो उसी ज़्यादा बीन रखा है, वो
और उसको कैलिब्रेशन किया जाता है, कैलिब्रेशन करके उसके डिस्टेंस लेके उस सारे कन्वेयर गैदरिंग बेल्ट कन्वेयर होके और उसमें वहाँ जो हॉरिजॉन्टल ये है ना, हाँ वो मिक्सर, उसमें मिक्सिंग होता है और वाटर कितना जाएगा वो उसका भी कैलिब्रेशन होता है। वो पूरा रनिंग प्रोसेस कोई रुकता नहीं है, बैच नहीं है, ये पूरा रनिंग प्रोसेस मिक्सिंग हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो जाके वो उसमें स्टोरेज होता है, वो सर डिस्चार्ज होता है गाड़ी में, उसमें कोई स्टोरेज का वो नहीं है। हाँ हाँ उतना जो जितना दिख रहा है एक करीब करीब 6 इंच तक उसमें ये हो जाता है स्टोरेज होता है। कितना था? 10 टन 10-12 टन ओके कंटिन्यू प्रोसेस है ना, कंटिन्यू चलता है गाड़ी आगे पीछे करते करते जो टाइम प्लांट तो बंद नहीं करेगा ना, हाँ तो उस समय स्टोरेज होता है और जैसे ही आता है उसको डिस्चार्ज। इसकी क्या कैपेसिटी है इसकी? इसकी आपने बोली 120 टन पर आवर, ये क्या निकालता है? ये भी वैसे ही 250 एक्चुअली है, वो उतना नहीं आता है, 150 तक चलता है, 160 टन कैलिब्रेशन करते रहता है, इसकी कैलिब्रेशन एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग है, वो देखने से और लिटिल आइडिया हो जाएगा। चलिए सर एक बार अंदर देख लेते हैं। हाँ हाँ वो आया नहीं, चलिए 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 सब विजुअल है, इधर ही सब इसका ये होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या क्या है इसमें? पैनल्स है, पैनल्स पैनल बोर्ड बोलते हैं इसको, गेट्स का पैनल का शो करता है ना, सब ऑटोमेटिक बैचिंग हो जाता है, कौन से किससे आ रहा है पूरा इस पे जब मॉनिटर। ये सब क्या है? 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 18, वो स्क्रीन साइज है, अंदर जो डाला है ना स्क्रीन साइज है, उसमें स्क्रीन होके पॉकेट में जमा उसके। ये क्या है अपना यूजर से जो कोल्ड बिन? कोल्ड बिन है या हॉट बिन है? क्योंकि आफ्टर हीटिंग जाने के बाद ये बकेट एलिवेटर से इधर आके स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग मतलब 0 टू 5, 5 टू 10 mm, 10 टू 18 mm, 18 टू 25 mm. व्हाट आर दीस नंबर्स? व्हाट आर दीस नंबर्स आर शोइंग एट बिलो इट? परसेंटेज एंड केजी? व्हाट आर दीस? ये परसेंटेज है, टोटल वेट है, वेट ऑफ मटेरियल जो लेता है वो, इसको लेना है एक्चुअली लोड सेल होता है, लोड सेल में इतना वेट ये लेना है। ओके ठीक है। व्हाट इज दिस -37 फिल्टर प्रेशर? वो उनका मैकेनिकल का काम है, हमसे मतलब नहीं। सो हाउ डू वी एंटर लाइक व्हाट वी वांट एंड एज पर मिक्स डिजाइन हम जो करते हैं उसके हिसाब से हम इधर फीडिंग करते हैं, परसेंटेज फीडिंग। कैसे एक बार अगर करके दिखा सकते हैं? वो तो ऑपरेटर है, ये तो परसेंटेज कैसे क्या दिखाते हैं ये कर अभी इसका डीबीएम का डाल दो, डीबीएम का कितना है? एक कोई भी सिलेक्ट कर दो डीबीएम, ये हो गया डस्ट, डस्ट इसमें डालने का है ना, ये हो गया 10 mm, 10 mm हो गया ये, और इसका 20-26 mm का जो भी है इधर डालने का, इधर डालने के बाद ऑटोमेटिकली बैच स्टार्ट कर देने का, स्टार्ट करने से कितना परसेंटेज कैसा ये परसेंटेज डालना है, क्वांटिटी का परसेंटेज डालने से ऑटोमेटिक क्वांटिटी का अपने आप कर ले, परसेंटेज क्या है वो वेट में कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक ले लेता है। ओके अपना बैच साइज के ऊपर, वो हम बैच साइज फिक्स करना है वो खुद अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। हां आप कितना भी कर सकते हैं, 1200 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं। क्या मतलब 1200 1800? केजी में वो जितना रहेगा, हम परसेंटेज फीडिंग किया रहता है ना इधर, परसेंटेज के हिसाब से इधर वो अपने आप कैलकुलेट। ये क्या है? और मीटर, ये टोटल फाइनल जो मिक्स निकाल रहा है जो प्लांट आउटपुट है, प्लांट रनिंग का है, ओवर कितना ओवर चला है क्या है।